मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल की भविष्यवाणी आपका राशिफल। भविष्यवाणी में बात करेंगे मेष से लेकर मीन राशि के राशिफल के साथ साथ आपको बताएंगे राशि अनुसार कुछ सरल से उपाय, राशि अनुसार ही आपका शुभ अंक और शुभ रंग भी, पंचांग बताएंगे और राशिफल के आखिर में आपको बताएंगे एक ऐसा विशेष उपाय जो आपके जीवन की किसी खास समस्या को चुटकियों में दूर कर देगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं कमल नंदलाल के भविष्यवाणी की पंचांग के साथ में। तो दिन है मंगलवार का, तारीख है 22 अक्टूबर 2024, कार्तिक कृष्ण षष्ठी पर चंद्रमा मिथुन राशि और आर्द्रा नक्षत्र में रहेंगे। दिन का शुभ अंक रहेगा 4, शुभ रंग रहेगा नीला, शुभ दिशा रहेगी नैऋत्य यानी कि साउथ वेस्ट, राहु काल रहेगा। दोपहर को 2:55 से लेकर शाम को 6:19 तक रवियोग रहेगा। सुबह 6:26 से लेकर अगले दिन सुबह 5:38 तक दिन का सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा। सुबह 11:43 से लेकर दोपहर में 2:43 तक विशेष क्या है, भौम षष्ठी है, कार्तिक महीने की भौम षष्ठी, अति विशिष्ट दिन। देखिए मंगलवार का दिन भगवान स्कंद का षष्ठी तिथि, भगवान स्कंद की, कार्तिक का महीना भगवान स्कंद का, तो अति विशिष्ट दिन है और ऐसे में भगवान स्कंद यानी कि भगवान कार्तिकेय का पूजन किया जाएगा। और आज का जो हमारा विशेष उपाय है वो भी कार्तिक भौम षष्ठी और भगवान स्कंद से ही जुड़ा हुआ है। बताएंगे आपको अमंगल का नाश कैसे होगा, उसके लिए राशिफल को आखिर तक देखिएगा। शुरुआत करते हैं कमल नंदलाल के भविष्यवाणी के राशिफल की। पहली राशि मेष यानी एरिस के साथ में। मेष राशि वालों, क्रोध पर संयम रखना आपके लिए हितकर रहेगा। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर रहेगी, कोई खुशखबरी मिलने के योग हैं। दंपत्य रिश्ते मधुर रहेंगे, आंखों के रोगों से कुछ परेशान रहेंगे। उपाय क्या करें, सिंदूर से मस्तक पर तिलक करें। शुभ अंक 4 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नीला। दूसरी राशि वृष यानी कि टॉरस की बात करेंगे। दफ्तर में वाद विवाद के योग हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, नए काम शुरू करेंगे, माता पिता से सहयोग प्राप्त तो होगा। गलत फहमियों से बचकर रहना आपके लिए हितकर रहेगा। उपाय ये करें कि किसी गरीब महिला को लाल कपड़ा दान करें। शुभ अंक 1 रहेगा, शुभ रंग रहेगा लाल। तीसरी राशि मिथुन यानी जमुना की बात करेंगे। दोस्तों से वाद विवाद के योग हैं, कारोबारी यात्रा से लाभ होगा, सफलता के मौके मिलेंगे, सेहत में उतार चढ़ाव बना रहेगा, उधार की लेन देन से बचें। उपाय क्या करें, किसी धार्मिक चित्र पर मिष्ठान का भोग लगाएं। शुभ अंक 9 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नारंगी। चौथी राशि कर्क यानी कि कैंसर की बात करेंगे। दफ्तर में अधिकारी पूरा सहयोग देंगे, आर्थिक स्थिति ठीक बनी रहेगी, जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें, रिश्तों में संतुलन बनाए रखें, सुविधाओं में वृद्धि के योग हैं। उपाय क्या करें कि लाल धागा दाई कलाई पर बंधवाएं। शुभ अंक 6 रहेगा, शुभ रंग रहेगा गुलाबी। पांचवी राशि सिंह यानी कि लियो की बात करेंगे। सेहत पर पूरा ध्यान दें, अचानक धन की प्राप्ति होगी, करियर में बदलाव आएगा, कार्यक्षेत्र में जीवन साथी पूरा सहयोग देगा, छात्रों की पढ़ाई लिखाई बेहतर रहेगी। उपाय ये करें कि किसी धर्म स्थल में शहद चढ़ाएं। शुभ अंक 5 रहेगा, शुभ रंग रहेगा हरा। छठी राशि कन्या यानी वर्गों की बात करेंगे। कारोबारी लाभ के योग हैं, गलत तरीकों की कमाई से बचें, उधार की लेन देन से बचना आपके लिए अच्छा रहेगा, खास दोस्तों से संपर्क होगा, प्रेमी के साथ में मतभेद की संभावनाएं हैं। उपाय क्या करें कि रेवड़ी जल प्रवाह करें। शुभ अंक 9 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नारंगी। सातवीं राशि तुला यानी लिब्रा की बात करेंगे। घरेलू कामकाज में भागदौड़ बनी रहेगी, आर्थिक क्षेत्र में सुधार आएगा, सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, दाम्पत्य में अनबन की संभावना है, छात्रों का मनोबल भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उपाय क्या करें, किसी गरीब महिला को गुणदान करें। शुभ अंक 1 रहेगा, शुभ रंग रहेगा लाल। आठवीं राशि वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो की बात करेंगे। कामकाज से लोग प्रभावित होंगे, व्यर्थ के वाद विवाद से दूर रहना आपके लिए बेहतर रहेगा, गुस्से पर पूरा नियंत्रण बनाए रखें, वाहन चलाते समय पूरी सतर्कता बरतें, खान पान पर पूरा ध्यान दें। उपाय क्या करें, थोड़ा सा जीरा सिर से वार कर पानी में बहा दें। शुभ अंक 4 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नीला। नवी राशि धनु यानी सजिटेरियस की बात करेंगे। मेहनत का पूरा फल मिलेगा, कारोबारी निर्णयों से लाभ होगा, चर्म रोगों से परेशान रह सकते हैं, परिवार के साथ में घूमने फिरने जा सकते हैं, संतान से सुख प्राप्त होने की संभावना है। उपाय ये करें कि किसी गरीब बच्चे को रेवड़ियां दान करें। शुभ अंक 7 रहेगा, शुभ रंग रहेगा सिलिटी। दसवीं राशि मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न की बात करेंगे। दफ्तर में कुछ चुनौतियां आएंगी, धन क्षेत्र में उतार चढ़ाव बना रहेगा, रिश्तेदारों से अनबन की संभावना है, नेत्र रोग परेशान करेंगे, सामाजिक काम में भाग भी लेंगे। उपाय क्या करें कि मसूर के दाने जलप्रभा करें। शुभ अंक 3 रहेगा, शुभ रंग रहेगा पीला। ग्यारहवीं राशि कुंभ यानी कि एक्वेरियस की बात करेंगे। उन्नति के कई मौके मिलेंगे, भाग्य का साथ मिलेगा, दफ्तर में राय रखने के मौके मिलेंगे, पिछले फैसलों से लाभ होगा, हर निर्णय बहुत सोच समझ करके लें। उपाय क्या करें कि जेब में लाल रंग का पेन रखें। शुभ अंक 3 रहेगा, शुभ रंग रहेगा पीला।
बारहवीं राशि मीन यानी पाइसिस की बात करेंगे, दफ्तर का माहौल बेहतर बना रहेगा, करियर में वृद्धि के मौके मिलेंगे, किसी के सहयोग से कामकाज बनेंगे, अपने गुस्से पर पूरा काबू बनाए रखें और रिश्तों में मधुरता रहेगी। उपाय क्या करेंगे, तिजोरी पर मौली बांधें, शुभ अंक साथ रहेगा, शुभ रंग रहेगा सिलेट। तो दोस्तों अब समय है ये जानने का कि आज का स्पेशल उपाय क्या है। तो आज का स्पेशल उपाय अमंगल का नाश करेगा। देखिए खास दिन है, ये दिन है कार्तिक भौम षष्ठी का, मंगलवार का दिन, षष्ठी तिथि और कार्तिक का महीना, ये तीनों चीज़ें भगवान कार्तिक को समर्पित हैं। तो ऐसे में अमंगल के नाश के लिए भगवान कार्तिकेय का पूजन करें, शिवालय जाकर भगवान स्कंद का पूजन करें और अमंगल के नाश के लिए भगवान कार्तिकेय पर लाल मसूर चढ़ाकर लाल आभा लिए हुए गाय को खिलाइए और इस पूरे प्रयोग में एक विशेष मंत्र का जप कीजिए। मंत्र है ओम मंगला आंच मंगलाय नमः, ओम मंगला आंच मंगलाय नमः। आश्वस्त करता हूँ अमंगल का निश्चित नाश होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, नमस्कार, नमः शिवाय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।